जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना ही YouTube चैनल जॉब्स फ्री में। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ यूपी जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक मेरिट लिस्ट के बारे में। यूपी जीडीएस का मेरिट लिस्ट कब आएगा यानी रिजल्ट कब आएगा और एक्सपेक्टेड आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है, इसकी पूरी जानकारी मैं आगे इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके देने वाला हूँ। तो अगर आपने भी यूपी जीडीएस का फॉर्म अप्लाई किया है तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि किसी भी एनसी के बारे में सबसे पहले अपडेट मैं इसी चैनल पे लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला था, यूपी जीडीएस रिजल्ट 2021 और कट ऑफ मेरिट लिस्ट के बारे में। आपका कट ऑफ क्या रहेगा, मेरिट लिस्ट क्या रहेगा। फ्रेंड्स अभी जो आपका रिजल्ट है अभी आया नहीं है, आपका रिजल्ट आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट कर दिया जाएगा। जैसे आएगा मैं आपको बता दूंगा, कब तक आपका रिजल्ट आएगा मैं आगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जैसे नीचे आएंगे आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट डिटेल्स देखने को मिल जाएगा, नेशन नेम, यहाँ पे जीडीएस रहने वाला है ग्रामीण डाक सेवक। और उसके बाद ये जो वैकेंसी है गवर्नमेंट जॉब है और यहाँ पर टोटल 4264 पोस्ट के लिए भर्ती आया हुआ था। और यहाँ पे जॉब लोकेशन उत्तर प्रदेश, वेरियस पोस्ट, इसमें 3 पोस्ट के लिए भर्ती आया था। ऑफिशियल वेबसाइट देख पाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म फिल हुआ था। कब से कब आपका ये स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट आपको रहने वाला है। जैसे नीचे आएंगे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा रिजल्ट के बारे में और सैलरी क्या रहेगा, कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा, आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है। जैसे देख पाएंगे यहाँ पे कैटेगरी और यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो 10th के जो 10th में आपका आपका नंबर रहने वाला है वही आपका ये कट ऑफ बनेगा। मेरिट लिस्ट पर ये सिलेक्शन हो रहा है। आप सभी को पता होगा मैंने इससे पहले जो वैकेंसी का वीडियो बनाया था, वैकेंसी डिटेल्स का, उसमें बताया था। जैसे सबसे पहले आपको ओबीसी को देखने को मिल जाएगा, 90 से 95 के बीच में अगर आता है तो आपका सिलेक्शन होने का चांस है। फ्रेंड्स मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे 95 है, फिर भी अगर आपका 95 तक है तो सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा है। जनरल के बारे में बात करूँ तो 92 से 97 के बीच में आता है तो आपका सिलेक्शन होने का चांस है। उसके बाद एससी के मैं बात करूँ तो 88 से 93, एसटी की बात कर लूँ तो 86 से 92 तक का अगर आपका है तो आपका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा है। मैं बात करूँ फिजिकली हैंडीकेप का, तो इनका भी 80 से 90 के बीच में फिजिकली हैंडीकेप का भी रहने वाला है। तो आप यहाँ से देख पाएंगे ईडब्ल्यूएस का भी सेम वही रहने वाला है, 90 से 95 तक ईडब्ल्यूएस का भी रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस आपका मेरिट लिस्ट के हिसाब से सिलेक्शन होने वाला है, कोई इसमें सिलेक्शन प्रोसेस नहीं रहेगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपका सिलेक्शन कर जाएगा। मेरिट लिस्ट के बारे में यहाँ पे दे रखा है, जैसे आप यहाँ से देख पाएंगे जो आपका यहाँ पे रिजल्ट आने वाला है, एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पे बताया जा रहा है अक्टूबर या नवंबर। जी हाँ फ्रेंड्स, अगले महीने में आपका रिजल्ट आएगा, अगले महीने के फर्स्ट में आए या लास्ट में आए या नवंबर तक आपका रिजल्ट आएगा। जो आपका एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पे बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है अक्टूबर या नवंबर में आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर यहाँ पे दे रखा है और कैसे आपको अपना रिजल्ट चेक करना होगा ये भी देख पाएंगे। मेरिट लिस्ट कमिंग सून है और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया अक्टूबर या नवंबर तक आपका रिजल्ट आएगा। तो अगर आप इसके इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट, अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो आप इंतजार करिए, जैसे कोई अपडेट और आता है मैं इसी चैनल पर वीडियो बनाकर बता दूंगा। और यहाँ पे आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी देखने को मिल जाएगा। बोलिएगा तो मैं पिछला साल का मेरिट लिस्ट भी दिखा दूंगा कि पिछला साल कितना कट ऑफ गया था। तो ये बताना था आपको इस वीडियो में, वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। इसके अलावा आपको मन में कोई और सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हम इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं।